तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है एशिया महादेश के अंदर आता है, एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है यूएई या यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों चलिए इस देश की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इस देश के नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे नाम से जो है इस देश के अंदर बहुत सारा देश के नाम से आइसलैंड मौजूद है। कहाँ, मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये देश एक ऐसा देश है जम्मू कश्मीर मामले में जो है भारत का साथ दिया है, और 34 साल के बाद भारत की कोई प्राइम मिनिस्टर ये देश में गया है। वो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, I2U2 का सदस्य ये देश जहाँ पर भारत भी है, और दुनिया के अंदर सबसे ऊँचा टावर इस देश में मौजूद है। तेल उत्पादन में ये देश कितने नंबर पे आ रहा है, और नेचुरल गैस उत्पादन में जो है ये देश कितने नंबर पे आ रहा है, और तृतीय सबसे लैंग्वेज इस देश की वो क्या है, और संयुक्त अरब अमीरात ये नाम ऐसे ही नहीं हुआ है, 7 कंट्री लेकर जो है ये देश बना है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊँ, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चुनाव सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो भी लगना तब ऑलपे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल में ये देश जो दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों एशिया महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है यूएई, जो दुनिया के अंदर 114 नंबर सबसे बड़ा देश, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 83.600 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ इस देश की जो एयरपोर्ट मौजूद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ लोकेशन के थ्रू, आप ध्यान से देख लीजिएगा आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दोस्तों 2600 किलोमीटर दूर जो है ये देश स्थित है इंडिया से, पाकिस्तान से जो है 1000 किलोमीटर दूर, और बांग्लादेश से जो है 3700 किलोमीटर दूर, और फिलीपींस से जो है 7200 किलोमीटर दूर जो है यूएई स्थित है। तो दोस्तों चलिए ये देश का सबसे बड़ा स्टेटमेंट लिया जाता है, और ये देश की राजधानी आबूधाबी हम चलते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यूएई की जो राजधानी आबूधाबी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप के थ्रू बड़े स्क्रीन पर और फुल एचडी, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ा शहर जो है दुबई, तो दोस्तों मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर देख लीजिए आबूधाबी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और आबूधाबी की कौन सी हिस्से में जो है इंडियन एम्बेसी मौजूद है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जॉर्डन की एम्बेसी कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सऊदी अरब, मिस्र, यूएस की जो है एम्बेसी कहाँ में है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक एक हिस्सा दिखाने की कोशिश करी हूँ जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबूधाबी आपको नजर में आ जाएंगे, जिसके उत्तर में जो है पारस उपसागर, फिर जो है ईरान, पूर्व में जो है ओमान उपसागर, फिर जो है ओमान, और दक्षिण पश्चिम में जो है सऊदी अरब, और पश्चिम में जो है कतर और बहरीन आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर व्यापार होता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो अरबिक, इसके अलावा तृतीय सबसे बड़ा लैंग्वेज जो है हिंदी, और चौथा सबसे बड़ा लैंग्वेज जो है मलयालम जो इंडिया के अंदर आता है। तो दोस्तों धर्म की बात करें तो यहाँ पर जो है इस्लाम बहुल ये राष्ट्र है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की हर एक हिस्सा, बहुत ही सुंदर सुंदर हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पास चलेगा। मैं आपको गूगल मैप के थ्रू फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों इंडिया जो रहता है इस देश में 38.2%, बांग्लादेश के इंसान रहता है 9.5%, पाकिस्तानी इंसान रहता है 9.4%। तो दोस्तों पानी की बात करते हो पीने वाला पानी 0%, और करेंसी की बात करते हो यूएई दिरहम, हाँ दोस्तों जो AED। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इंडियन कितने रहते हैं, पाकिस्तानी कितने रहते हैं, बांग्लादेशी कितने रहते हैं, और फिलिस्तीन इंसान यहाँ पर कितने रहते हैं, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, ये जो है बहुत ही अहम जगह, क्योंकि इस जगह पर जो है आबूधाबी लिखा है, जो गूगल मैप के थ्रू आप देख पाओगे ऊपर से। हाँ दोस्तों, जो ये देश के फ्लैग की यहाँ पर जो है इमेज भी बना है, वो इमेज भी आप देख पाओगे। तो दोस्तों GDP के मामले में जो है ये देश दुनिया के अंदर जो है 32 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के हर एक हिस्सा गूगल मैप के थ्रू बड़े स्क्रीन पर और फुल HD। तो दोस्तों ये देश के जो मौजूदा प्रेसिडेंट, उसका नाम जो है मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, और इस देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम जो है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक एक हिस्सा दिखाने की कोशिश करूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है राजतांत्रिक एक देश है, जहाँ पर रेगिस्तानी कंट्री आप भी कह सकते हो। 2 दिसंबर 1971 में जो है ये देश स्वाधीनता दिवस पालन करता है, जो ये देश यूके से स्वाधीन हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आबूधाबी लिखा है, और ये देश की फ्लैग भी आपको नजर में आ जाएंगे, जहाँ पर अरबिक भाषा में भी आबूधाबी लिखा है, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको एक एक करके स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबूधाबी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश UN का मेंबर बना 9 दिसंबर 1971 में। हाँ दोस्तों 1971 में, तो दोस्तों 1970 में जो है ये देश में एक जो राज्य है अभी, लेकिन वो जो है एक देश था जो आबूधाबी, वहाँ पर जो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑयल सबसे ज़्यादा पाया गया है। तो दोस्तों 7 अमीरात के अंदर जो है ये पहला अमीरात था जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल को पाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए,
आपको नजर में आ जाएंगे। ये जो है अबू धाबी एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑयल उत्पादन में जो है ये देश पृथ्वी के अंदर 6 नंबर पे आ रहा है और नेचुरल गैस उत्पादन में जो है ये देश पृथ्वी के अंदर जो है 7 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताया था ये देश जो है एक एग्रीमेंट तहत ये देश बना है, मतलब जो है ये देश जो है युक्त राष्ट्र आप कह सकते हो, क्योंकि युक्त राष्ट्र के मतलब जो है ये देश के अंदर 7 कंट्री मौजूद है और 7 कंट्री लेकर जो है यूएई बना है या संयुक्त अरब अमीरात बना है। वो 7 कंट्री क्या है? वो 7 कंट्री जो है फर्स्ट दुबई और दूसरा जो है अबू धाबी और तीसरा जो है शारजाह और चौथा जो है आजमान और पांचवा जो है उम्मुल। और यहाँ पर जो है अगर हम 6 देखें तो दोस्तों वो जो है फुजैरा और उम्मुल कुवैन और 7 जो है रॉस अल काइमास। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के हर एक हिस्सा और कहाँ पर इंडियन एम्बेसी, ये भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर इजिप्ट की जो एम्बेसी वो भी आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है सऊदी अरब, यूएस और जॉर्डन की जो एम्बेसी मैं आपको दिखा दिया हूँ, एक एक करके आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए दुबई की तरफ हम चलते हैं और दुबई की तरफ हम दिखाते हैं वो देश की जो है बहुत अहम हिस्सा दुबई की तरफ जो है स्थित है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो दुबई के अंदर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ये देश की और एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर जो है शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये देश की और एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये देश जो है रिश्ता नहीं रखता है ऐसा कुछ अगर हम कंट्री देखें तो या ऐसा कुछ अंचल अगर हम देखें तो दोस्तों हम देख पाएंगे जो सहारोई अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताइवान और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के साथ जो है फिलहाल के लिए ये देश का जो है रिश्ता स्टार्ट हुआ है और ये सारे जगह जो आपको नजर में आ रहे हैं यहाँ पर जो है कह सकते हो दुनिया भर के बड़े बड़े इंसान जो है यहाँ पर रहता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े इंसान के फ्लैट यहाँ पर बना है, ये जो है तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये जो है प्राकृतिक तरह से जो है ये नहीं बना है, इसे जो है तैयार किया है। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये जो है चुक्तिबद्ध एक राष्ट्र या एग्रीमेंट के तहत जो है एक राष्ट्र है या क्रूशियल एक स्टेट है। तो दोस्तों दुबई टावर, हाँ दोस्तों दुबई टावर एक जो है कह सकते हो ये देश के अंदर जो है एक बड़ा टावर कह सकते हो बुर्ज खलीफा, वो बुर्ज खलीफा जो दुनिया के सबसे ऊंचा कह सकते हो टावर है। हाँ दोस्तों, जो 4 जनवरी 2010 में जो है उसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ द वर्ल्ड आइसलैंड। यहाँ पर जो छोटे छोटे आइसलैंड आपको नजर में आ रहे हैं, ये सारे आइसलैंड का नाम जो है एक एक देश के नाम से। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, हर देश का जो है यहाँ पर नाम मौजूद है, छोटे छोटे आइसलैंड का नाम यहाँ पर रखा है, इसलिए जो है द वर्ल्ड आइसलैंड नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे, देख लीजिए किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ईरान, ओमान, श्रीलंका, मलेशिया, यहाँ पर देख लीजिए नेपाल आपको नजर में आ जाएंगे, थाईलैंड आपको नजर में आ जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए माकाओ आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे देश भी आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा देख लीजिए तुर्कमेनिस्तान आपको नजर में आ जाएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसके साइड में इंडिया आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही यहाँ पर चौंकने वाली बात है, हर एक देश का नाम से जो है यहाँ पर छोटे छोटे आइसलैंड मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखा। तो दोस्तों ताइपे टावर और विल्सन टावर से भी ऊंचा इस देश की एक बड़ा टावर बुर्ज खलीफा। हाँ दोस्तों, जो 2004 में जो है इसका काम स्टार्ट हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ अबू धाबी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। देखा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो दुबई के अंदर स्थित है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश रिश्ता स्टार्ट किया है अफगानिस्तान के साथ 6 अप्रैल 1973 में, बांग्लादेश के साथ 9 मार्च 1974 में, भूटान के साथ 13 सितंबर 2012 में, चाइना के साथ 1 नवंबर 1984 में, इंडिया के साथ 23 फरवरी 1972 में, मालदीव के साथ 15 मार्च 1974 में, म्यांमार के साथ 9 नवंबर 2020 में और नेपाल के साथ जो है 22 जनवरी 1977 में, पाकिस्तान के साथ जो है 13 जनवरी 1972 में, श्रीलंका के साथ जो है 19 जुलाई 1979 में। तो दोस्तों ये देश जो है I2U2 सदस्य है, जहाँ पर इंडिया, इजराइल और यूएस और यूएई सदस्य है I2 और U2। तो दोस्तों 16 अगस्त 2015 में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये देश में गया था 2 दिन की तरह। तो दोस्तों ये जो है 34 साल के अंदर पहला कोई प्राइम मिनिस्टर भारत की तरफ से जो है ये देश का दौरा किया है। तो दोस्तों चलिए, ये देश के नेशनल एंथम, इस देश की पॉपुलेशन, इंडियन कितने रहते हैं, पाकिस्तानी कितने रहते हैं और इस देश के अंदर बांग्लादेशी कितने रहते हैं और फिलिपाइन के इंसान कितने रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए, मैं आपको दिखा दिया हूँ नेशनल एंथम और ये देख लीजिए आदर्श बाग का यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको नजर में आ जाएंगे ये देश के जो ऑफिशियल नाम, इसके अलावा कैपिटल अबू धाबी और सबसे बड़ा शहर दुबई आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा देख लीजिए
नीचे ऑफिशियल लैंग्वेज आपको नजर में आ जाएंगे जो अरबिक, इसके अलावा हिंदी भी यहाँ पर बोली जाती है। तो दोस्तों अरबिक, इंग्लिश यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे, जो गाल्फ अरबिक आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी देशों के इंसान यहाँ पर रहता है, यहाँ पर इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान आपको नजर में आ जाएंगे। धर्म की बात करें तो इस्लाम, क्रिश्चियन, उसके बाद जो है यहाँ पर हिंदू आपको नजर में आ जाएंगे। प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ, वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ। प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट जो है एक ही इंसान है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, पानी जो है बहुत ही कम है, टोटल जी डी यहाँ पर देख लीजिए बिलियन पे है, जो दुनिया के अंदर 32 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों करेंसी देख लीजिए AED, ये देश की करेंसी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की जो कॉलिंग कोड क्लास 971 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए टोटल एरिया, हाँ दोस्तों दुनिया के अंदर जो है 140 नंबर ए एरिया के हिसाब से ये देश आ रहा है। तो दोस्तों एरिया भी मैंने लिख दिया हूँ, इसके बाद पॉपुलेशन देख लीजिए, हाँ दोस्तों इस देश की पॉपुलेशन है, यहाँ पर इंडियन रहता है 30 लाख, पाकिस्तान रहता है 12 लाख, बांग्लादेश रहता है 1 लाख, और फिलीपाइन रहता है 60,000 से ज़्यादा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा संयुक्त अरब अमीरात ये जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है, ये जो है एक ग्लोबल मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो एशिया मध्य के अंदर आ रहा है और ये देश और इंडिया कहाँ पर है, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सारे यहाँ पर इमेज आपको नजर में आ रहा है, ये सब जो है अबूधाबी में स्थित है, जो UAE की जो है राजधानी आपको नजर में आ जाएंगे। और ये जो है राजधानी के प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ दोस्तों राजधानी के प्रतीक चिन्ह ये आपको नजर में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये जो है आपको नजर में आ जाएंगे वर्ल्ड आइसलैंड, इसके अलावा बुर्ज खलीफा मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों ये जो है 2004 में जो है काम स्टार्ट हुआ है। और ये देख लीजिए ये जो है दुबई की जो है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, देखा हाँ दोस्तों। ये देश के जो सिक्के मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए ये देश की अहम जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है टॉप व्यापार की लिस्ट में जो है इंडिया भी शामिल है, और यहाँ पे जो है भारत के बहुत सारा कंपनी भी मौजूद है। और इस देश में जो है दुबई के अंदर 2 मंदिर और अबूधाबी के अंदर 2 मंदिर जो बड़े बड़े मंदिर स्थित है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो आइसलैंड, इंडियन आइसलैंड है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको पिन पॉइंट करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा असल पे इंडियन आइसलैंड कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको पिन करके दिखाऊँगा, ठीक है, ये देश में जो है पोर्नोग्राफी इलीगल है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जहाँ पर पिन करके मैं दिखाने की कोशिश करी हूँ वो आइसलैंड जो है इंडिया आइसलैंड, हाँ दोस्तों वो आइसलैंड जो है इंडियन आइसलैंड। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की जो है पवित्र स्थान मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ दोस्तों पवित्र स्थान मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और इंडिया और ये देश की जो रिश्ता बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि ये देश एक समय जो है भारत के एक आतंकवादी जो है इस देश में छुपा था, 2020 में जो है भारत को उस आतंकवादी या मास्टरमाइंड को जो है भारत को सौंपा था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए ये देश के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा महिलाएं हैं जो महिला इस देश के कुछ महत्वपूर्ण काम में जो है नियुक्त है। तो दोस्तों मैं आपको उस सारे महिला की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा इस देश की जो महिला है इसका भी इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाँ, जम्मू कश्मीर मामले में जो है ये देश भारत के साथ है, और आतंकवाद के विरुद्ध जो है इंडिया के साथ ये देश हर समय खड़ा है। और इंडिया जो है ये देश में 2014 में जो आतंकवाद सफाई करने के लिए जो है ये देश में काम भी किया था, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश की जो है बॉर्डर आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों एक समय ये देश में जो है बड़ा बाढ़ आया था, इंडिया ने जो है इस देश को सहायता किया था। ये जो रेड हिस्सा आपको नजर में आ जाएंगे ये देश की जो है बड़ा एक जो है राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कौन कौन से हिस्सा जो है तैयार किया गया है ये देश में, हाँ दोस्तों तैयार किया गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देश कौन कौन से देश के साथ रिश्ता अच्छा रखा है, वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, और जो देश यहाँ पर स्थापित है उस देश के साथ जो है देश का रिश्ता उतनी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये देश की जो है मैप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये देश और इंडिया मिलकर जो है बहुत सारा ऐसा ऑपरेशन किया है जो ऑपरेशन आतंकवाद के विरुद्ध है। तो दोस्तों ये देश में भारत की तरफ से जो है बहुत अहम सामान जाता है। तो दोस्तों इंडिया अगर ये देश को प्याज ना देता तो दोस्तों पाकिस्तान जो है प्याज नहीं खा पाता है। इसका कारण यही है, इंडिया से जो है पाकिस्तान प्याज नहीं खरीदता है, लेकिन इंडिया के प्याज अगर इस देश में आता है तो दोस्तों इस देश से जो है पाकिस्तान प्याज को खरीदता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ एशिया मध्य के अंदर आता है UAE या संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात संपर्क सब कुछ, और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है तब कॉल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।